नालो छा दे बेरा सिकंदर पान केरी क्या पान लबारी लबारी वो माल में घणो टाइम थियो है जी असा नंदा वाला माल में असा कारोबार है। अच्छा भाई बता रहे बचपन से लेके यही काम रहा है कि कारोबार एक ही रहा है जानवर में जानवर में। ये भाई साहब वही है जो कीकर की प्रूनिंग कर रहे थे, तो इनसे सर में मैंने कहा था आप उर्दू में थोड़ी बात करें, थोड़े से तफसीली सवाल जवाब करें, लेकिन भाई कह रहा है कि सिंधी में बात करें उर्दू में आती नहीं है। सो वही माल के जो है जी गंगूलाबारी गंगूलाबारी। अच्छा ये माल गंगूलाबारी कितने टोटल जानवर कितने? 200 तो है वो भाई बता रहे, पौने 200 आप 200 बता रहे हैं। अच्छा बकरियों समेत 200 जानवर टोटल है, बच्चे और बकरियां समेत। अच्छा ये पिछले साल आपके जानवर के किस हिसाब से गए थे? 35,000 पर एनिमल। वो जानवर बड़े थे इन जितने थे? वो इससे छोटे थे, बाकी रक्त बहुत था उसमें। अच्छा खून बहुत था उसमें, मतलब जिस्म भरा हुआ था उनका, ताकत वाले थे। वो चल नहीं सकते थे, हम खुद गाड़ियों में लेके। अच्छा यार आप उर्दू माशाल्लाह काफी बेहतर बोल रहे हैं। नहीं हमारे को इतनी आती नहीं है, पिड़ियों का चक्कर लगा है तभी तो उर्दू आती है। अच्छा तो ये 3500 के हिसाब से किसने लिया था आपसे जानवर? हमारे से पठान ने लिया। पठानों ने लाहौर के और पिड़ी में लेके गए थे या आप यहाँ से यहीं से लेके गए? से हमारे से जंतर से लेके गए। अच्छा आपका सीजन का रूटीन क्या होता है, ये जब जानवर आप खरीदते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ खत्म होते हैं, जानवर कहाँ का चराते हैं आप? ये हम मीरपुर खास का चराते हैं, लेते मीरपुर खास से, फिर मीरपुर का हमारे को लगता है मीरपुर खास। अच्छा तो ये जंतर कहाँ से लेते हैं आप? जंतर मीरपुर था, जिधर जिधर हमारे को मिली जिधर भी मिली। तो यहाँ कहाँ तक जाते हैं आप? ये जो आपने ये इस इलाके में यहाँ पे तो आपने की कर लिया, कितने टाइम हुआ यहाँ पे आते हुए आपको? इधर तो हमारे को वैसे 3 महीने हुए। 3 महीने हुए। पहले क्या चराई कर रहे थे? पहले हम ये पुट्टी चराई कर रहे थे। पुट्टी कहाँ पे? इधर ही चराई कर। वो किस हिसाब से आपने खरीदी थी पर एकड़? वो 10,000 रुपए का। 10,000 फिर आपको बारे में पड़ी है जब वो सीजन में चेट के टाइम जो है सारा आपके पास ही थी पुट्टी? जी हाँ। अच्छा फिर कीकर कब शुरू किया है? बस ये 2 महीने हुए कीकर शुरू। 2 महीने हुए। पहले कहाँ पे खिला रहे थे कीकर, कहाँ पे खरीदे? पहले हुड़ी ली थी उधर। कहाँ कौन सी? वो उधर वाली ये जो डॉक्टर सतारा कट रही थी। जी, जी हाँ। ये आपने ली थी? जी हाँ। अच्छा फिर उसके साथ भी एक उड़ी चार कट वो भी आपने ली थी? वो हमारे माइटो ने ली थी। अच्छा वो किस हिसाब से आपने जो वो हमने उक्की ली थी 2 लाख की। 2 लाख की जी हाँ ऊपर वाली। अच्छा ये जो कीकर आपने खरीदे बॉर्डर वाले और छोटे बड़े ये 3 लाख 3 लाख में लिए, छोटे बड़े सब इसमें सारे छोटे बड़े। इसमें बड़े कितने होंगे अंदाजन जो आपने? बड़े तो 100 हैं बड़े। 100 बड़े जो बहुत बड़े। अच्छा वैसे छोटे बहुत छोटे बहुत। टोटल कितने? टोटल अभी हिसाब नहीं किया है। अच्छा सही सही। अभी कितना टाइम होंगे यहाँ पे आप? अभी 3-4 दिन है बस, फिर चला जाएगा माल जंतरों में। जंतर बड़े हो गए हैं इतने? हाँ अभी बहुत बड़े हो गए हैं। जंतर कहाँ पे खरीदा है आपने? हाँ खरीदा है मीरपुर में। किस हिसाब से? पता नहीं बड़े को पता है। अच्छा अंदाजा है आपको कोई कितने मिले हैं? नहीं है वो अंदाजा नहीं। कितने एकड़ का लिया है? कितना एकड़ रकबा? 20 एकड़ लिया है। 20 एकड़। 20 एकड़ कितने दिन ये चरेंगे? ये अभी लोभ का हिसाब है। लोभ है? अच्छा ठीक है का नहीं है लोभ का है। अच्छा सही सही सही। फिर ये कब तक आप जंतर में चराएंगे? कुर्बानी ईद तक या कुर्बान? हाँ बस ये चांद होता है ना। हाँ। चांद सुधी चारते फिर वो आते हैं पंजाब वाले लेके जाते हैं। अच्छा सही 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 जबरदस्त। उसको और क्या खिलाएंगे? अभी अभी ईद तो करीब है, 2-2.5 महीने ईद में रह गया, अभी रमजान के बाद तो ईद में टाइम इतना है नहीं। नहीं अभी इसको कणक खिलाएंगे। गंदम खिलाएंगे आप? अच्छा और साथ में कुछ और? और कुछ नहीं डालडा वगैरह खिलाते हैं? खाली गंदम? गंदम और जंतर। जंतर। अच्छा इसमें इसकी फलियां लेते हैं आप? पलड़े लगते रखते? नहीं, पलड़े अभी जब जंतर में जाएंगे ना। हाँ। फिर लगेंगे, अभी नहीं लगेंगे। अच्छा घास में जाएंगे ना फिर लगेंगे इसको, फिर ये छिला आप बताएगा तो मुझे इतना मैंने ये पलड़ा खाया। अच्छा ये पलड़े आप हर साल जो ये कीकर हर साल चराते? हर साल हर साल। या किस साल नहीं भी चराते? नहीं नहीं हर साल हम कीकर ही चराते। कितना टाइम मतलब कीकर का आपका टाइम कितना ड्यूरेशन होता है? सर्दियों से शुरू होते हैं? कब शुरू होते हैं? बस सर्दियों से होता है। सर्दियों से शुरू होते हैं? ये बोन होते हैं, बोन खत्म हो गए फिर कीकर लेते हैं। कॉटन जैसे कॉटन फुट्टी जैसे खत्म हो गई फिर कीकरों पे शुरू हो जाते हैं? कीकरों पे चलते हैं फिर कीकर काटते हैं चारते हैं हम। अच्छा जी अच्छा
फिर वो मतलब 3-4 महीने आपकी कर पे ही गुजारा करते जी, जी अच्छा माशाल्लाह जानवर आपके सेहतमंद है, अच्छे जानवर है। ये खरीदारी आपकी किस हिसाब से जानवर की, पर जानवर कितने का खरीदा है? पर 15 का खरीदा। 15,000 फिर बड़े खरीद गए क्या? 15,000 तो अच्छे पैसे बड़े ने ले लिए। अच्छा ये आप बेचेंगे किस हिसाब से, अंदाजा है कोई आपको? ये अभी इस माल का तो नहीं है, उस माल का था, इसका तो अभी ये बहुत रेट लिया भाई ने। अच्छा सेठ ने हमारे 40-45 या 50 तक करेगा एक जाना? इतना करेगा, इरादा है पक्का, इतना है करेगा। फिर यहाँ पे जो व्यापारी आएगा उसी को ही दे देंगे या आप मंडियों में जाएंगे? नहीं मंडियों में नहीं, आधा माल लेके जाते हैं। अच्छा जैसे बड़े बड़े छेले लेके जाते हैं लाहौर। अच्छा बाकी जो छोटे होते हैं वो फिर हम कराची लेके जाते हैं। कराची मंडी रेट कौन सा अच्छा है, कराची या लाहौर? लाहौर जोर और जोर रेट माल बहुत उधर लाहौर छिकता है। अच्छा कराची इतना नहीं छिकता। अच्छा पिछले साल तो कराची में भी मंडी में कम पड़ गए थे जानवर, कम हो लाहौर बहुत माल छिका था ना। अच्छा माल लाहौर ने बहुत उठाया था माल। अच्छा फिर रेट भी आपको लाहौर अच्छा देता है? हाँ, हम देते लाहौर वालों को। आप खुद जाते हैं लाहौर देने? नहीं नहीं हम नहीं जाते। फिर हम नहीं जाते, हम ये बेच के ये बेचते नहीं है, दूसरे छोटे ले लेते। अच्छा जी एक जानवर खत्म करते हो दूसरे छोटे ले लेते हैं, वो ईद से पहले ही खरीदारी करते हो? जी। अच्छा ये कितने सालों से आप ये काम कर रहा है, जो भाई आपका है जो जिससे आप काम कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं? ये बस वो छोटा बड़ा इस माल में हुआ है, बहुत टाइम हुआ है उसको, बहुत टाइम हुआ है हमारे से भी बहुत टाइम हुआ है। अच्छा फिर बचत होती है ठीक ठाक? जी हाँ होती है, 4-5 लाख रुपए होते हैं। 4-5 लाख तो कुछ भी नहीं है, अभी 200 जानवर और 4-5 लाख बचाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचाया। मंडी है ना अभी क्या करें, कम से कम ऐसे बताएंगे वरना 30-35-40 लाख बचत होगी, 4-5 लाख मुसाफरी का खर्चा भी है। अभी अभी गुलाबी और पटेरी एक एक जानवर 4-5 लाख का सेल करें, आप 200 जानवर से 4-5 लाख बचाएंगे तो फिर आप तो सीजन ही आपका खराब हो गया, कुछ नहीं बचाया फिर। मुसाफरी का है ना खर्चा, मुसाफरी का भले खर्चा हो लेकिन खर्चा वर्चा निकाल गए, करीब हुई है 200 जानवर पे आप कम से कम भी 30-35 लाख तो बचाएं कम से कम। आधे जानवर खर्चे में निकल जाएं, आधे जानवर आपके बचत में चले जाएं। ये अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत है, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये भाई आपका दूसरा? ये भाई। अच्छा अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला आपके जानवरों को भी सेहत बख्शे।